छ विश्वविद्यालयर कुलपति निजुक्ति करिसेंति राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल रमादेवी विश्वविद्यालयर कुलपति होइसेंति अपराजिता चौधरी उत्कल विश्वविद्यालयर सविता आचार्य होइसेंति कुलपति फकीरमोहन विश्वविद्यालयर दीनबंधु साहू गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयर एन नागराजु उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालयर किशोर बासा खलिकोट विश्वविद्यालयर प्रफुल्ल महांति होइसेंति कुलपति भावे चारि वर्ष पई निजुक्ति देइसेंति कुलाधिपति तो पुणे रखु छ विश्वविद्यालयर कुलपति आज निजुक्ति दिजाई राज्यपाल द्वारा कुलाधिपति द्वारा रमादेवी विश्वविद्यालयर अपराजिता चौधरी होती कुलपति उत्कल विश्वविद्यालयर सविता आचार्य दायित्व दिजाई फकीरमोहन विश्वविद्यालयर दीनबंधु साहू होती कुलपति गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयर एन नागराजु दायित्व मिली उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालयर किशोर बासा होती कुलपति उत्कल विश्वविद्यालयर सविता आचार्य आप टीवी स्क्रीन में देखुवा बड़ खबर होछि छ विश्वविद्यालयर कुलपति को नियुक्त करा जाय छि कुलपति भाव में चारि वर्ष पई एथर नियुक्ति देइछंती कुलाधिपति तो छ विश्वविद्यालयर कुलपति नियुक्ति होइछंती फकीरमोहन विश्वविद्यालयर दीनबंधु साहू गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयर एन नागराजु उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालयर किशोर बासा होइछंती कुलपति रमादेवी विश्वविद्यालयर अपराजिता चौधरी को दायित्व दिया जाय छि उत्कल विश्वविद्यालयर सविता आचार्य होइछंती नुआ कुलपति फकीरमोहनर विश्वविद्यालयर दीनबंधु साहू गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयर एन नागराजु उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालयर किशोर बासा होती कुलपति कुलपति भाव में एथर चारि वर्ष पई नियुक्ति कुलाधिपति लगातार भाव में बड़ खबर बा ब्रेकिंग न्यूज वर्तमान समय छ विश्वविद्यालयर नुआ कुलपति दायित्व जो मानक दि जाए टीवी स्क्रीन में आपंपर देखाऊ उत्कल विश्वविद्यालयर सविता आचार्य फकीरमोहन विश्वविद्यालयर दीनबंधु साहू गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय तरफ एन नागराजु उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय किशोर बासा रमादेवी विश्वविद्यालय अपराजिता चौधरी कुलपति होती उत्कल विश्वविद्यालय सविता आचार्य को दायित्व दि जाए फकीरमोहन विश्वविद्यालय दीनबंधु साहू को कुलपति भाव में अवस्थापित कर दायित्व दि जाए कुलपति भाव में चारि वर्ष पई एथर नियुक्ति कुलाधिपति संपर्क में जोगाजोग करने चेष्टा करोगी जगदीश दास आम सहित फोन लाइन में उपस्थित रहते जगदीश छ विश्वविद्यालयर कुलपति नियुक्ति पाई ए बाबद आपण वर्तमान सुधा अपडेट कौन बंधु जगदीश को ठीक भाव में शुणी पार्ना पुणी थे जोजोग करने को चेष्टा करूर्वर पुणी थे जोजोग करने पूर्व ये ब्रेकिंग न्यूज बा बड़ खबर आम आपखे पहुँचवाक चाहूँ जो छ विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्ति दिया जाएगी गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय एन नागराजु को नियुक्ति मिली एवं रमादेवी विश्वविद्यालय अपराजिता जगदीश दास आम सहित आम प्रतिनिधि आम सहयोगी उपस्थित रहते जगदीश अपडेट कौन है बाबद निहत भवानी प्रथम आपको कहवाक चाहिए जन कर्मजोगी उदाहरण पलटिंट राज्यपाल आज जानते आप गोटे बड़ दुखद दिन निज सहधर्मी को से हरई कि आज जो डका जाता इंटरव्यू पाई से इंटरव्यू से करते सहित से निजर कर्तव्य संपादन करसत छि विश्वविद्यालय कुलपति चयन प्रक्रिया शेष कर निजुक्ति तालिका प्रकाश करते तो निहाती भाव में ये गोटे उदाहरण सृष्टिकारी पदक्षेप कहुपे भवानी कितु बड़ कथा हो उत्कल विश्वविद्यालय जे पूर्वतन पीजी काउंसिल चेयरमैन थे सविता आचार्य प्रोफेसर सविता आचार्य उत्कल विश्वविद्यालय भिसी भाव निजुक्ति मिली से देखा तेल अपराजिता चौधरी रमादेवी विश्वविद्यालय जेकि राज्य प्रथम महिला विश्वविद्यालय एकमात्र महिला विश्वविद्यालय तार कुलपति भाव अपराजिता चौधरी को निजुक्ति कर राज्यपाल से भाव दीनबंधु साहू निजुक्ति मिली किशोर बासा नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी कुलपति भाव दायित्व मिली फकीरमोहन विश्वविद्यालय कुलपति भाव दीनबंधु साहू को से भाव एन नागराजु गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी भिसी भाव चयन कर देखा तेल खलिकोट विश्वविद्यालय तथा तेल प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार महांति को कुलपति भाव निजुक्ति कर राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल नियुक्ति दि जाए पूर्व वर्षर नियुक्ति प्रक्रिया बा पूर्व दिन गुड़िकर नियुक्ति प्रक्रिया एवं संशोधन बिल आसीबा परे नियुक्ति प्रक्रिया को नहीं टिके रोकियाउ चाहू छी आपण हां जगदीश टिके रोकियाउ चाहू छी फकीरमोहन विश्वविद्यालय दीनबंधु साहू कुलपति भाव में दायित्व नौचंती से
आम सहित फोन लाइन उपस्थित अच्छा श्रीयुक्त दीनबंधु साहू फकीरमोहन विश्वविद्यालय भिसी श्रीयुक्त साहू आपन को आलोचना को स्वागत करछु। प्रथमे तो बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। निश्चित भाव में जिते नुआ दायित्व मिलू नुआ रेस्पोन्सिबिलिटी नुआ आह्वान आपण रहा को केमती आप बोध फोन जोगे पुणी जोगाजोग करने चेषा कर फोन जोगे प्रतिक्रिया हस्तगत हो पारनी। खलिकट विश्वविद्यालय नुआ विसी बा कुलपति भाव में 4 वर्ष निजुक्ति दि जाएगी कुलाधिपति जो निजुक्ति तार प्रक्रिया विषय जानवाक चाहिए। सविता आचार्य आम सहित उपस्थित अच्छा जगदीश आप अपेक्षा करूँ उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति मैडम आचार्य आपको आलोचना को स्वागत करुँ। प्रथम तो शुभेच्छा और अभिनंदन जितने नुआ दायित्व मिलू नूतन रेस्पोन्सिबिलिटी आपण कौन कौन चैलेंजेस कौन कौन स्वप्न आपण उत्कल विश्वविद्यालय को नहीं आगो को केमती बढ़ उत्कल विश्वविद्यालय आपण समय हाँ धन्यवाद प्रथम दौर विश्वविद्यालय पूर्वतन चेयरपर्सन पीजी काउंसिल थी अल्प बहुत मोर उत्कल यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम इश्यूज विषय बहुत अभिज्ञता अच्छी तेणु मोर प्रथम स्टेप हम जे मुमी उत्कल यूनिवर्सिटी बर्तमान ये पैंडेमिक टाइम जहाँ सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करी फर ऑन बाय माने डिजिटल टेक्नोलॉजी को डेवलप करके लाइन अप करी एकेडमी को आगे नाइक चेष्टा कर प्राइमरी फोकस कौन रही उत्कल विश्वविद्यालय सहित आप तार सुविधा असुविधा आगो को केमती उत्कल विश्वविद्यालय को निया जाई पारिबो से नहीं आपणकर प्राथमिक स्तर रे मिशन कौन रही टार्गेट कौन रही स्वप्न कौन रही चारोटी टार्गेट प्रथम होउछि जे हमर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करबी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आ सेकंड होउछि हमर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अछि गोटे कैंपस को मु गोटे ग्रीन एंड क्लीन एंड सेफ कैंपस करिया पय मोर लक्ष्य आ तृतीय होउछि एकेडमी केमिति आगु को जीवो जो एकेडमी रे हमर केमिति भलो भलो बेस्ट माइंड्स फ्रॉम विद इन ओडिसा आउटसाइड ओडिसा आसिकि जॉइन करले हमर उत्कल यूनिवर्सिटी रे पिला माने बेनिफिटेड हेबे तांकर कैरेक्टर बिल्डिंग आउ तांकर सबुथरे केमिति हेल्प को हबो एकेडमी रे हमर क्वालिटी एक्सीलेंस चिंताजनक विषय हूँ 100 बेस्ट यूनिवर्सिटी भितर रहा ये हूँ सब चिंताजनक विषय मैडम तेनाली जेहेतु पीजी काउंसिल चेयरपर्सन थे आप सुविधा असुविधा मुझे बार बार आपको फोकस करने को सुविधा असुविधा बाबद भल भाव अवगत कुलपति हिसाब से जो दायित्व ने चैलेंजेस आहरी आपको सामना करने को पड़ पाए केमती आप बेस्ट यूनिवर्सिटी कर कारण आपण पाखे 3 वर्ष नुहे एणिकी 4 वर्ष निजुक्ति मिलू तेना गोटे वर्ष एक्सट्रा भी पाँच आप नहीं नहीं मो पाखे जहाँ चैलेंज अच्छी बर्तमान उत्कल यूनिवर्सिटी को आम एथर एनआईआर रैंकिंग अच्छी 96 फर द फर्स्ट टाइम आम A+ हो तो A++ करने का मुझे सब वे चेस्टा करी मोर कलिग आम टीम वर्क करूँ जोटा के डेफिसीयसी लास्ट भिजिट्रे आम आगे कौन डेफिसीयसी मैडम जो डेफिसीयसी को आपड़ एथर आड्रेस करेंगे नाई नाई आमर जहाँ से माने जो लिखी से गुडाक पॉइंट वाइज से तो मोर एत मुझ मन रखी से पॉइंट वाइज जहाँ हम आगे इंप्रूव करूँ एकेडमिक फोर्स मान निश्चित रूप इंपोर्टेंस देवी एकेडमिक केमती डेवलप पिला माने स्टूडेंट मानकर केमी रिसर्च फिल अन्य एक्टिविटीज गुडाक हम स्टूडेंट स्पेसिफिक हम कारण आम नुआ एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टूडेंट को फोकस करोटा को पूरा मुझे जो न्यू आमर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो जिते गुडे आम सुविधा हम ताको आगे इम्प्लीमेंट करने को चेस्टा करी इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रही मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस डिपार्टमेंट गुडाक सब नुआ कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा कोर्स इंट्रोड्यूस करी पिला माने के एम्प्लॉयबल हेबे से ट्राए करी एमती बहुत गुडे अच्छी किंतु से गुडा आस्ते आस्ते स्ट्रीमलाइन करिया पड़ो जोड़ा हेनी से गुडा को करिया पे चेष्टा करी। ओके आपन को फोकस रहिबो आपन कहतले जे ग्रीन उत्कल यूनिवर्सिटी बा उत्कल विश्वविद्यालय को ग्रीन करिवे आपन से स्वप्न तो हुए तो आपन को पूर्ण हो जाई पारे किंतु क्लीन उत्कल यूनिवर्सिटी ये होची आपन को पई सबुठारु बड़ चैलेंज हबो। हां निश्चित रूपे आ क्लीन आमर सेफ कैंपस टा भी सेफ्टी टा भी बहुत दरकार होउची जहां मोर निजर फीलिंग्स आ कैंपस रु प्रथमे स्टूडेंट डिसिप्लिन पई का वर्तमान तो सब बंद बंद अछि से आमर अण छात्र मान को सब टिके ना को तांकर इंटरफेरेंस को टिके ना को देखि किरी ताको सब फ्री करबी कैंपस टा को पिलांकर डिसिप्लिन टा को आगो मु आनिया पई चेष्टा करबी आ जे प्रकार फेस मु करिछि निजे को कारण जको से माने अनरेस्ट होउथिले ताको मु सॉल्व करिया पय चाहिबी।
କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଇଏ ନୂଆ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କଠୋର ବି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲିନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବା କ୍ଲିନ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ଲାଇନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ କରିବି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମନ୍ୱୟ, କେମିତି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହେବ, କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଭଲ ହେବ, ୟା ବାବଦରେ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଭିଡ୍ ସମୟ, ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଲାଗିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପିଲାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧାଟା ଆଗ ମୁଁ ଦେଖିବି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମିଶନ, ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ସେ କମ୍ ଏଥର ପୂରଣ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି, ଆମ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସହଯୋଗୀ ଜଗଦୀଶ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ। ଜଗଦୀଶ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ତ ନିଯୁକ୍ତି ବାବଦରେ ଆମେ ସୂଚନା ଆପଣ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ଅଧିକ ରହିବ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଖାସ୍ କରି ଯଦି କୁଳପତି ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଳପତିଙ୍କ ଆଗରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଅଧିକା ରହିବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଆସୁଛି, ତାପରେ ନ୍ୟୁ 1989 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯାହା ରହିଛି, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରମାଦେବୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ଆସିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରାଯିବ, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପିସ୍ ରିଷ୍ଟୋର କେମିତି ହେବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଖୋଲିଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ପିରିୟଡ୍, ତେଣୁକରି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଖୋଲେ ସେ ସମୟରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅନରେଷ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭାଓଲେନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ନଜରକୁ ଆସିଥାଏ। ସବୁ ଭିସି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ନିଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ କେମିତି ଯୋଗାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବିଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଛଅ ଜଣ ନୂଆ କୁଳପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ କୁଳାଧିପତି, ତା ସହିତ 6 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ 1989 କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାୱାରକୁ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ଏସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଆଣିବେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଟପ୍ 100 ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, ଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ କୁଳପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଯିଏକି ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି, ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନୂଆ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜଗଦୀଶ, ବୋଧ ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? କାରଣ ଏଥର କମ୍ସେ କମ୍ ଯେଉଁ 3 ନିଯୁକ୍ତି ଏଥର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଅଧିକ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷଟି ଯେତେବେଳେ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଳେଇଥାଏ। ତ ବାକି ଯେଉଁ 2 ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଆସେ, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଏବଂ ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନରେ ସେମାନେ କେବଳ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୱିଡ୍ର କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦିଓ ଚାପ ବେଶୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଧିକା ରହିବ। କିଭଳି ଭାବେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଆଣିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କିଭଳି ଶିକ୍ଷାଦାନ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଟପ୍ 100 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା, ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଦ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 6 କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଆଗକୁ ଧାରା ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ନୂଆ ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ଆସିବା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତି, ଏବଂ ଚାପ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଆମ ସହଯୋଗୀ ଜଗଦୀଶ ଦାସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।